हेलो एंड वेलकम टू लॉन्च पैट आई एस माई नेम एस सुमित शर्मा एंड आज इस वीडियो में हम इकॉनमी को सैटाइज और सिंप्लीफाई करेंगे इसके बाद इकॉनमी को कैसे तैयार करना है फॉर यू पी एस सी खासकर प्रेम्स दो हजार पच्चीस के लिए ये बहुत आसान होने वाला है हम उन सभी टॉपिक्स की बात करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट सो टेक योर पेन एंड पेपर आप

फॉर इकॉनॉमी अगर इकोनॉमी के सब्जेक्ट की बात करें प्रिलिम्स के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रिलिम्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है सो दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स अगर आप दोनों के प्रिवेसियर क्वेश्चन पेपर प्रिलिम्स एंड मेन्स के सेपरेटली एनरालाइज करेंगे तो कुछ ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो प्रिलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसे होंगे जो मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है तो so, पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे लेकिन स्लाइटली जो थोड़े बहुत कम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी सारे कवर्ड हैं तो जस्ट टॉपिक्स की हम डिस्कशन कर लेंगे एज आई सेट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग नाइनटी फाइव परसेंट क्वेश्चन आपके इन टॉपिक्स से आएंगे अगर पिछले दस पंद्रह साल का ट्रेंड यूपीएससी कंटिन्यू करती है तो डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा रहती है तो मेक श्योर sure बहुत सीरियसनेस के साथ हम ये सारे टॉपिक्स नोट कर लें सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जहां से आप इकॉनमी की तैयारी की शुरुआत भी करते हैं सो दिस इज नेशनल इनकम नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट आगे भी एक बार फिर से हम इसको री एम्फोसाइज करने वाले हैं जी डी पी एन एन पी जी एन पी ऑल दीज थिंग्स ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है पर कैपिटल इनकम कैसे निकलती है एंड ऑल्सो द कंटेम्परेरी इशूज रिलेटेड विदेशनल इनकम हम अपनी इनकम को डेवलप्ड कंट्रीज के इनकम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में per capita income is a huge challenge. Already पर कैपिटल इनकम इज अज चैलेंज ऑलरेडी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज में हम कुछ कुछ चीजें ये डिस्कस कर चुके हैं देन बैंकिंग एंड फाइनेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो सेंट्रल बैंक हो या इंडिया का बैंकिंग सेक्टर हो या फिर इससे इसके इलावा इसके फाइनेंस सेक्टर शेयर मार्केट्स, राइट राइटर्ग रिपोर्ट एंड ये सारे इंस्टीट्यूशंस दे आर कवर्ड पार्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस तो जब भी आपको किसी बुक में स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं ऐसी कोई भी चीज दिखती है तो आपको इस टॉपिक से रिलेट करके उसको पढ़ना है

कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है बाहर से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा आ रहा है वॉट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू प्रमोट मनी फ्लोइंग इन टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हाउसिंग स्कीम्स तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेट करके टॉपिक्स को कवर करना है स्टैटिक प्लस करंट दैट गोज फॉर एवरीथिंग प्लानिंग द फाइव ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन क्यों उसे रिप्लेस करना पड़ा नीति आयोग किस अप्रोच के साथ काम करती है नीति आयोग के डिफरेंट इनिशियटिव आगे हम अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या विजन एक्शन प्लान एजेंडा प्रिपेयर कर रहे हैं जो नीति आयोग कर रही है तो ऑल दैट विल बी कवर्ड अंडर मूविंग ऑन टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सिंपली सेंगर इन्वेस्टमेंट इसमें फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कवर हो जाते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी कवर हो जाते हैं शेयर मार्केट में चाहे इन्वेस्टमेंट आ रही हो या फिर ओवरऑल एफडीआई इंडिया अट्रैक्ट करने में कितना सक्सेसफुल है ये सारे ट्रेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो बेसिक कंसेप्ट के बाद ही आप ट्रेंड्स करंट टॉपिक्स कवर कर पाएंगे देन द मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट जो भी एक्शंस लेती है मेजरली सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी है सो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन रेपो रेट्स ई ने रेपो रेट बढ़ा दी कम कर दी ये सारी चीजें न्यूज में रहती हैं समझने के लिए स्टैटिक पढ़ना पड़ता है सारे कंसेप्ट समझेंगे तो ही ये सारा कुछ कवर कर पाएंगे देन बजट बजट सरकार क्या विजन लेकर अगले साल में क्या इनिशिएटिव लेने वाली है सारा कुछ बजट से पता लगता है बजट के साथ साथ ही इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है आगे भी आएगा इन दोनों से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इनफिल्स देन इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन और अदरवाइज ऑल्सो इंक्लूजन इंक्लूसिविटी के साथ ग्रोथ अचीव करना सबका साथ सबका विकास और ये करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है जन धन योजना हो या फिर बाकी इनिशियटिव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ ऑल द सेक्शन इन द जर्नी ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं या पीपीपी मॉडल्स हैं एंड दैट टू बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड शू ऑन तो इसके ऊपर असल में होता क्या है अगर आप पिछले दस साल का पीवाई एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा ये सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है लेकिन जो चीज ज्यादा करंट में होती है उसके रिलेटेड स्टैटिक प्लस करंट इन दोनों को इंटेग्रेट करके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जनरल ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो यूपीएससी और इवन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन देन टैक्सेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स और वट द गवर्नमेंट इज डूइंग एल के अंदर चेंज कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के ऊपर टैक्स में क्या चेंज हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर में क्या चेंज हुआ है इनडायरेक्ट uh, like uh, टैक्स क्या है ये सारी चीजें देन फॉर ट्रेड कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पा रहे हैं वॉट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज हु पार्टनर्स खर्चा सरकार का घाटा फिजिकल डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सारी चीजें फिजिकल पॉलिसी का पार्ट बन जाती है क्या सरकार एक रिस्पॉन्सिबल फिजिकल मैनेजमेंट कर पा रही है या नहीं

थिंग uh, तो ये सिमिलर चीजें हैं वही चीज होगी मनी सप्लाई इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए जो किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी हमने बात कर ली इसकी देन पॉवर्टी पॉवर्टी लाइंस इज लाइन ऑन दिस चैनल एज वेल अबाउट पॉवर्टी डिफरेंट टू मेजर पॉवर्टी पॉवर्टी एलिविएशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है पॉवर्टी का ट्रेंड क्या है देश में कम हो रही है ज्यादा हो रही है राइट सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट अब ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लाइक like, अन एम्प्लॉयमेंट द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगेन ग्रोथ वर्सेज डेवलपमेंट का यहां पर फंडा हो गया ये ऑलरेडी नेशनल इनकम में हमने एक बार बात की थी एक्सैम्पलीफाई e करने के लिए यहाँ पर एक बार दोबारा से आ गया इकोनॉमिक टॉपिक है नाउ कवरिंग दीज टॉपिक्स इज अब डिफिकल्टर टार्गिंग यूपीएस ट्वेंटी बिट लेट अगर आप करना चाहते हो सो अराउंडी थर्टी फाइव थाउजेंड इज द फीस फॉर दैट बैच बट

आप अपने स्टूडेंट सो इन नंबर पे पूछ सकते हैं एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड द प्राइज ऑफ दिस बैच ओनली ट्राइंग टू मेक इट अफोर्डेबल बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन में ज्यादा बड़ी बात है तो कोशिश है जितना कम से कम हो सके 2026 के बैच की हम बात कर रहे हैं 2025 अगले साल है एंड देन 2026 अगर आप 2025 करना चाहते हैं उनके बारे में भी आपको स्टूडेंट काउंसलर्स बता देंगे कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए इफ यू वांट टू टारगेट 2026 यू कैन गिव अस अ कॉल राइट सो दैट इज ऑल ऐसी और वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट अब हर सपना हो सच गुड बाय